हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक और एक नॉन ब्लोइंग या बिना बजने वाला शंख से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। एक और शंख आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने अपने एक पिछले वीडियो में जो मैंने कल अपलोड किया था यूट्यूब पे, उसमें मैंने शनि शंख दिखाया था आपको। छोटा सा था, जस्ट हार्डली 3 या 4 इंच का। नॉन ब्लोइंग है वो, जस्ट पूजा के लिए यूज़ होता है, बजाने के लिए नहीं। तो आज मैं आपको एक और ऐसा ही शंख दिखाऊंगा, नॉन ब्लोइंग वाला। उस शंख का नाम है ऐरावत शंख। अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है ऐरावत शंख। इसका नाम ऐरावत, काफ़ी जगह इस शंख को ऐरावत शंख का नाम दिया गया है। यदि आप साउथ साइड जाओगे मोस्टली, तो वहाँ पे आपको ये ऐरावत शंख के नाम से जाना जाता है। अब इसका नाम ऐरावत शंख क्यों है, क्योंकि इसका आप ये पेट देखिए। अभी आपने ऐरावत के बारे में सुना होगा, वो इंद्र का, जो देवराज इंद्र है, उनका पर्सनल या उनका वाहन था वो। तो हाथी के कान जैसा, उसके जो ईयर्स कैसे फैले हुए होते हैं, हाथी के जो, यदि आपने कान देखे होंगे कैसे फैले हुए होते हैं, तो वैसे ही इसका कान जैसा ही इसका आकार है, इसका पेट काफ़ी फैला हुआ है, इसलिए इसको ऐरावत शंख कहा जाता है। ये तकरीबन 8 इंच से लेके 11 इंच तक ये ग्रो होता है। काफ़ी सुंदर है दिखने में, नॉन ब्लोइंग है, लेकिन बहुत नाजुक भी शंख है। ये इजीली डैमेज भी हो सकता है यदि इसको ज़्यादा सब बहुत अच्छे से केयर करके रखना पड़ता है इसे। तो ये नॉन ब्लोइंग है, इसे ये बजता नहीं है, और इसे पूजा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये ऐरावत इसका नाम है, तो ऐरावत शंख है। तो इसे भगवान की पूजा या जल अर्पण के लिए, अभिषेक के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका साइंटिफिक नेम आप देखोगे तो मेलो मेलो, एक मोलस्क है, मेलो मेलो। यदि आप गूगल करोगे तो आपको इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल जाएगी, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका हैबिटेट कहाँ, कौन से इंडिया के कौन से एरिया में ग्रो होता है, और कौन से देश में ये मिलता है, कोई समंदर में मिलता है, आपको सब जानकारी मिल जाएगी। तो मेलो मेलो इसका साइंटिफिक नेम है। तो और ये, इसका प्राइस भी सस्ता है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 1000 तक के आसपास या उसके अंदर तक मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन साइज। तो आप भी इसे लीजिए, ये भी एक अच्छा शंख है। किसी को अगर बजने वाला शंख नहीं चाहिए होगा, सिर्फ नॉन ब्लोइंग शंख ही चाहिए, तो आप इसे, जैसे शनि शंख है वैसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ऐरावत शंख को पूजा के लिए, और अपने पूजा घर को अच्छा सुंदर बना सकते हैं इसको रखने से। ये सिर्फ पूजा के लिए नहीं, काफ़ी लोग इसे डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए। इसके अंदर आप बल्ब ऐसे रख दो तो ये ग्लो होगा रात में अच्छे से, येल्लो येल्लो सा ग्लो होगा। इसे शेल बल्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके नीचे बल्ब रख दो तो रात में अच्छे से ग्लो होता है। तो डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी है ऐरावत शंख, पूजा पर्पस के लिए भी है, जैसा चाहो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो, ये आपको न्यू शंख दिखाना था। चाहिए आप सी शेल शॉप में जाइए, आपको मिल गया तो अच्छी बात है, ले लीजिएगा, अच्छा शंख है ये, दिखने में सुंदर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।